मैथ से बात कौन सा पेपर है सर? फिजिक्स। फिजिक्स का पेपर 12 तारीख 10 तारीख सर, 7 को फिजिकल, लेकिन फिजिकल भी है मैथ। खत्म कब हो रहा मेन पेपर? 14 को। मेरा 14 को रिकॉर्डिंग हो रहा, देखो तो। हाँ सर। सेकेंड टर्म का जितना भी चीज है सब हम ऑफलाइन पढ़ाएंगे, याद रखना ठीक है? हाँ ठीक है सर। ऑनलाइन खाली उसी को अलाउ करेंगे जो लोग दूर रहते हो बस, बाकी किसी को ऑनलाइन अलाउ नहीं करेंगे, पहले ही बता दिए। अब सुनो, दो क्वेश्चन मेरे को भेजा है, एक ऋषभ भेजा और एक प्रत्यक्ष भेजा। देखो ऋषभ, ऋषभ मीटिंग में हो ना? एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई का पावर माइनस एक्स है, पूछा है कि कहाँ इंक्रीजिंग है, इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे सर। देखो ऋषभ बहुत आसान है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा भाई, 2x, यस सर। ई का पावर माइनस एक्स, अब हम एक्स स्क्वायर को छोड़ो, ई का पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ई का पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन होगा, माइनस एक्स इंटू माइनस वन, यस सर। अब देखो यहाँ पे ई का पावर माइनस एक्स, ई का पावर माइनस एक्स कॉमन ले लें, क्या बचा 2x, यस सर 2x, एक्स भी कॉमन आ सकता है ना? हाँ सर आ सकते हैं सर। तो क्या बचा 2 माइनस एक्स बचा। तुम बताओ रे सब, e का एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है कि नहीं? हाँ सर पॉजिटिव। हटा दो इसको, बताएं तो थे ये चीज, ये हुआ अच्छा। हाँ यस सर। अब जीरो से इक्वेट करो, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2, नंबर लाइन पे ले जाएं। हाँ हाँ सर अब बन समझ। माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी, यहाँ पे 0 यहाँ पे 2, 2 और इनफिनिटी के बीच कोई वैल्यू उठाओ 3, 3 यहाँ रखोगे नेगेटिव आ रहा है, यस सर। यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, अब बता पॉजिटिव कहाँ दिख रहा? 0 से 2 के बीच में। इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ होगा? 0 से 2 के बीच। ऑप्शन सही है डी, समझ में आया? हाँ सर ठीक है। ई का पावर माइनस एक्स कहाँ उड़ा दिया? ई का पावर माइनस, यही होता है कभी कभी पढ़ाई करने का नतीजा, समझे? ई का पावर माइनस एक्स, ई का पावर एक्स मॉड एक्स, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो नंबर लाइन से हम पॉजिटिव को, ये पॉजिटिव क्वांटिटी जो होता है ना हमेशा उसको हटा देते हैं, समझा? अच्छा हाँ। पूरा आदित्य मेहनत कर रहे हो क्या? अरे सर तुम जोड़ लगा दिए, जोड़ लगा दिए, सेकंड टर्म में तुम एब्सेंट किए ना एक भी क्लास, तो समझना तुम। हम नहीं करेंगे बस, आप पिघलिएगा मत, अभी ऐसे भी बोलते टर्म वन ऑफलाइन कराइएगा, देखिए अभी क्या करा रहा है। नहीं तो अच्छा एक बात बताओ, अभी अभी देख लो, अभी बैठे हुए हैं, कम से कम ऑफलाइन में आते हैं तो सोते आराम से मस्त हम। ऐसा थोड़ा फायदा उठाने वाला ना फायदा उठा सकता है, तुम कहीं हो फायदा नहीं, तुमको तुम बोले थे कि अलग से आना, बोले थे कि नहीं? कश्मीर घूम रहा है सर, बकलोर कहेंगे। देखो fx है cos x माइनस 2 px, प्रत्यक्ष यही क्वेश्चन था ना? था ये। अब कह रहा है डिक्रीजिंग, ध्यान देना पहले डिफरेंशिएट करो, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन x, माइनस साइन x, माइनस 2p हुआ, यस सर। अब बताओ डिक्रीजिंग के लिए f डैश x लेस देन 0 होगा? हाँ सर लेस देन इक्वल टू विथ होगा ना? ठीक है इक्वल टू, तो माइनस साइन x माइनस 2p लेस देन इक्वल टू 0 हुआ, माइनस हटाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर हाँ सर। तो साइन एक्स प्लस 2p ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ? हाँ सर। तो 2p ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस साइन एक्स हुआ? यस सर। अब जरा सोचो माइनस साइन एक्स, 2p का वैल्यू माइनस साइन एक्स के ऊपर, साइन एक्स का वैल्यू जब 1 रखोगे तो 2p, 2p तुम्हारा माइनस 1 से बड़ा होगा, यस सर। और जब साइन एक्स के यहाँ पे माइनस 1 रखोगे तो 2p तुम्हारा 1 से बड़ा होगा, हाँ सर। अब देखो ये कह रहा माइनस 1 से बड़ा और ये कह रहा 1 से बड़ा, तुम बताओ दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? ये कह रहा 1 से बड़ा और ये कह रहा माइनस 1 से बड़ा, तो कॉमन कौन है? 1 के ऊपर।
तो 2p ग्रेटर देन 1 हुआ, तो p ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, 1/2। 1/2 हाँ सर, सर मेरा 2p ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस साइन एक्स तक बना लिया था मैं एग्जाम, फिर उसके बाद क्या करना नहीं समझ। अब समझे, 2p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्यों सर, वो तो लेस देन इक्वल टू 1 होगा ना। सुनो ध्यान देना सब, सबको जरा ध्यान से सुनना, अगर a ग्रेटर देन कॉस एक्स है या साइन एक्स है, कुछ भी रहे दोनों में से, दोनों में से कुछ भी रहे, तो एक बार इसका मैक्स वैल्यू लो, एक बार इसका मीन वैल्यू लो। कॉस एक्स का मैक्स वैल्यू क्या होता है, 1 तो a ग्रेटर देन 1 हुआ। कॉस एक्स का मीन वैल्यू क्या होता है, -1 हुआ जी सर। यस सर, अब इन दोनों का कॉमन ले लो, ये -1 है ये 1 है, ये कह रहा है इधर और ये कह रहा है इधर, अब बताओ दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा a ग्रेटर देन 1, समझे जी सर। यस सर, अगर लेस देन हो, लेस देन a लेस देन cos x हो या फिर साइन एक्स हो, तो मैक्स वैल्यू लो, ए लेस देन 1 हुआ, मीन वैल्यू लो, ए लेस देन -1 हुआ जी सर। इन दोनों में कॉमन क्या है, ये -1 ये 1, ये कह रहा 1 से छोटा, ये कह रहा -1 से छोटा, कॉमन कौन है, -1 से छोटा हो जाएगा सर, तो यहाँ पे हो जाएगा ए लेस देन -1। अब क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर है सर। यस सर, क्लियर। लिख लो अच्छे से, समझ गए। यस सर, तो अब बताओ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो जाएगा जी सर, टेंजेंट नॉर्मल, टेंजेंट नॉर्मल में डीवाई डीएक्स से क्या निकलता, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट और नॉर्मल दोनों एक दूसरे पे क्या होता है, परपेंडिकुलर, एम टी इंटू एम एन -1 होगा। यस सर, तो अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल किसी को निकालना हो तो पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, उसका रेसिप्रोकल करेंगे, इस फॉर्मूला के मदद से हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। यस सर, अगर एक लाइन पे दो पॉइंट हो x1, y1 और x2, y2, तो तुम बताओ लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं m = y2 - y1 / x2 - x1 से। यस सर, अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है स्लोप क्या होगा, जीरो जीरो। अगर कोई लाइन x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है स्लोप क्या होगा, इंफिनिटी -1। अगर कोई लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट को बाईसेक्ट कर रहा है स्लोप क्या होगा, +1। अगर कोई लाइन सेकंड क्वाड्रेंट को बाईसेक्ट कर रहा है स्लोप क्या होगा, -1। अगर कोई लाइन क्वाड्रेंट को बाईसेक्ट करा, कौन सा क्वाड्रेंट ये नहीं दिया, तो स्लोप क्या होगा, तो वहां पे दोनों लेंगे +1। जूली म्यूट करो, होगा ना। हाँ सर, कोई भी क्वाड्रेंट को बाईसेक्ट करे तो टैन थीटा भी है। हाँ, दो अगर क्वाड्रेंट को बाईसेक्ट कर रहा है तो सीधा लेना स्लोप m = +1। फर्स्ट क्वाड्रेंट को बोला बाईसेक्ट करा तो 1, सेकंड को बाईसेक्ट किया तो -1, समझे। हां सर, सर। अच्छा, दो लाइन अगर पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होगा, सर इक्वल होगा, इक्वल जीरो होगा, इक्वल ax + by + c = 0 अगर लाइन है तो स्लोप क्या होगा, -a/b। तो अच्छा, दो लाइन के बीच का एंगल क्या होता है, tan theta is equal to m1 minus m2 by 1 minus m1 m2 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus। समझे, mod। दो कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलता है सर, दोनों का इक्वेशन सॉल्व कर देंगे, दोनों का इक्वेशन सॉल्व करके, यही है ना। यस सर,
चलो इतना जानते हो तो फिर टेंजेंट नॉर्मल जानते हो, बस जोड़ घटाओ गलती नहीं सर। एक बार पिछला वाला पेज ले जाइए ना, यही पेज के और पीछे, इससे पिछले वाला सर, ये लास्ट वाला नहीं समझ में आया। नहीं ठीक है सर, कौन सा नहीं समझ में आया सर? ये पैरेलल से जो स्टार्ट किए, दो लाइन अगर पैरेलल होगा ठीक है हाँ, तो दोनों का स्लोप बराबर होता है ठीक है। अगर कोई लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो स्लोप होता है माइनस ए बाई बी। अगर एक लाइन और एक लाइन, दो लाइन है, एक का स्लोप एम वन है, दूसरे का स्लोप एम टू है थीटा, तो टैन थीटा जो बनता है वो एम वन माइनस एम टू डिवाइड बाई वन प्लस एम वन एम टू बनेगा। ये फॉर्मूला अगर ऑर्थोगोनल कह रहा, ऑर्थोगोनल कर्व कह रहा, मतलब एम वन इंटू एम टू क्या होगा? माइनस वन, माइनस वन। हाँ ठीक है, यस सर। अब जैसे देखो, तुम्हारे पास कर्व दे दिया x माइनस वन बाई एक्स माइनस टू, कह दिया कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा, नहीं निकाल लोगे? हाँ सर निकाल लेंगे। क्या करना, खाली डिफ्रेंसिएट करना, ये u बाई v में है ना, हाँ सर। तो v को छोड़ो, x का डिफ्रेंसिएशन वन, x माइनस वन इसका डिफ्रेंसिएशन वन, नीचे क्या आएगा, x माइनस टू का स्क्वायर आया। अब निकालना स्लोप ऑफ द टेंजेंट, निकालना एट x इक्वल टू 10 पे, x क्या पे क्या रखोगे? 10 रखेंगे। 10 माइनस टू क्या होगा, 8 होगा। 8 10 माइनस वन क्या होगा, 9 होगा। 10 माइनस टू क्या होगा, 8 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64 तो माइनस वन बाई 64 आया स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा, 64। समझ आया? यस सर। अगर मानो इसमें पॉइंट दे दे, या आप कह दे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालिए, तो x इक्वल टू 10 है यहाँ पे, y चाहिए ना, तो कहाँ पुट करेंगे इसको सर? ये सबसे ऊपर वाले क्वेश्चन कर्व में पुट कर देना, यहाँ पे 10 रखोगे ना, तो 10 माइनस वन क्या बनेगा, 9। 10 माइनस टू क्या बनेगा, 8। पॉइंट क्या क्या आ गया, 10 कॉमा 9 बाई 8 आया। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना, माइनस 1 बाई 64 है। यस। इक्वेशन निकलेगा कि नहीं, कौन से फॉर्मूला से इक्वेशन निकालोगे? निकल जाएगा इस फॉर्मूला से। यस सर। क्लियर सर? एक क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है बोलो सर? क्वेश्चन भेजे आपको, देखें सर। सर ये जो आप एंगल वाला फॉर्मूला देते हैं, एंगल निकालने का, टैन थीटा का फॉर्मूला, तो इसमें हार्ड टू हार्ड ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना कि सर आप भी जो क्वेश्चन पेपर पूछे थे कि क्लॉकवाइज हमारा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री, तो सर वहां पे टैन थीटा को माइनस वन देना होगा, टैन 45 डिग्री। हाँ देखो, एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बहुत कोई मेरे से पूछा था, पता नहीं इसमें क्या था ऐसा, x दिया हुआ t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 और y दिया हुआ 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5, तुमसे पूछा गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट 2 कॉमा माइनस 1 पे, यही पूछा गया ना? यस सर। सोचना जरा हर्ष, देखो कि एग्जामिनेशन में कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है जहां पे तुमको खुद से हैंडल करना पड़ेगा चीजों को, कॉमन सेंस लगा के। स्लोप ऑफ टेंजेंट डिवाइड dx होता ना भाई? हाँ सर। तो पहले डिवाइड dx तो निकाल लेते हैं। हाँ। ये पैरामेट्रिक फॉर्म है? हाँ सर, dx by dt फिर डिवाइड by dt। तो dx dt क्या आएगा? 2t plus 3 आया? हाँ सर। डिवाइड dt क्या आएगा? 4t minus 2 आया? यस सर। अब आ जाओ डिवाइड dx में, तो डिवाइड dx क्या आएगा? डिवाइड dt डिवाइड by dx dt? तो 40 माइनस 2 नीचे क्या आ रहा, 2t प्लस 3 आया। अब देखो यहाँ सारा मामला t में अटक गया। हाँ अटक गया t पे। यस सर। t चाहिए होगा ना किसी तरह से। हाँ सर, x में पुट करके निकाल लेंगे। हाँ, ये किसका कोऑर्डिनेट है, x का है? अच्छा हाँ हाँ। ये किसका कोऑर्डिनेट है, y का है? y का है। यस सर। x यहाँ पे 2 रखो, तो 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 आया।
टू को इधर भेज दो तो टी स्क्वायर प्लस थ्री टी माइनस टेन इक्वल टू जीरो आया। हाँ सर। अब फैक्टराइज करो तो टी स्क्वायर प्लस फाइव टी माइनस टू टी माइनस टेन इक्वल टू जीरो, इन दोनों से टी कॉमन ले लो तो टी प्लस फाइव माइनस टू कॉमन लो तो टी प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। यहां से क्या आ रहा, टी प्लस फाइव टी माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो टी का वैल्यू क्या क्या आ रहा, माइनस फाइव और टू आया। फाइव और टू, यस सर। यहां से भी निकालना, दोनों में जो कॉमन होगा उसको रखेंगे, वाई के यहाँ पे क्या रखोगे, माइनस वन इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये फोर बनेगा, माइनस फोर, माइनस फोर, तो टू टी स्क्वायर माइनस टू टी माइनस फोर इक्वल टू जीरो, टू हटा दो तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस टू इक्वल टू जीरो आया। यस सर। इन दोनों को पुट करके देखो कौन सेटिस्फाई कर रहा, टी के जगह पे अगर टू रखोगे तो फोर आएगा, टू सेटिस्फाई कर रहा, तो टू सेटिस्फाई कर रहा मतलब टू टी का वैल्यू होगा, माइनस फाइव नहीं, कौन सा वैल्यू लेंगे हम, टू। याद रखना जो दोनों से कॉमन आए, समझे कि नहीं। यस सर। सर वाई के साथ क्या किया बताइए ना फिर से, वाई का वैल्यू यहाँ माइनस वन रखोगे। हाँ सर। तो माइनस वन इधर जब जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा ना। यस सर। तो ये बताओ टू टी स्क्वायर माइनस टू टी माइनस फोर इक्वल टू जीरो हुआ। यस सर। टू हटा दो तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस टू इक्वल टू जीरो आया। ये देखो यहाँ पे टी का दो वैल्यू है ना। हाँ सर। अब देखो इन दोनों में कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा, तो टू टी इक्वल टू टू सेटिस्फाई कर रहा, कर रहा सर, उसको इसमें क्यों पुट करेंगे है? अच्छा सर, वो टी का वैल्यू नहीं, दोनों का कॉमन वैल्यू लेना सर। हम क्या किए थे ना कि एक्स का ही निकाल दिए और वही उसी को पुट कर, नहीं वही सब वही करता है जो कि गलत हो जाता, टी इक्वल टू माइनस फाइव से लाओगे आंसर वो भी ऑप्शन में रहेगा लेकिन गलत रहेगा सर, दोनों आंसर आया दोनों ऑप्शन में था। हाँ वो तो माइनस फाइव नहीं होगा, माइनस फाइव क्यों नहीं होगा समझ में आया, क्योंकि वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हाँ सर। आंसर खाली टू से आएगा तो अब टू रखो तो टू इंटू फोर एट, एट माइनस टू सिक्स आया। यस सर। यहाँ टू रखो फोर, फोर प्लस थ्री सेवन, देखो आंसर सिक्स बाई सेवन है। हाँ सर समझे। यस सर समझ गए। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालोगे। हाँ सर। स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल लोगे सर, एक बार प्रीवियस पेज पे जाइएगा। ठीक है सर, हो गया। हो गया। हाँ सर। बढ़े आगे। यस सर। अब क्या फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन, इसका भी एक एक प्रॉब्लम हम करवाए थे याद है। हाँ सर। हाँ सर, मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस करा दिया। टेंजेंट एंड नॉर्मल का एक एक प्रॉब्लम हम एनसीईआरटी का एक एक प्रॉब्लम बनाया है, वीडियो है यूट्यूब पे देख लेना इसको भी, ठीक है। यस सर। तो तुम लोग अभी डिफ्रेंसिएशन करो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करो, टेंजेंट नॉर्मल करो, ये तीन, उसके बाद आगे जो मन करे करो, लेकिन ये तीन पहले समाप्त करो, ठीक है सर। आप एक क्वेश्चन दे रहे थे क्वेश्चन पेपर में, द रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ अ कोन ग्रेटर ग्रेटेस्ट वॉल्यूम व्हिच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन स्फीयर ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज, ये सब क्वेश्चन को कैसे करें सर? कल हम बताएंगे सबको, ठीक है। कल मैक्सिमम मिनिमम वाला क्वेश्चन सर, कल हम मैक्सिमम मिनिमम ही पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है सर। एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन क्लास रहेगा क्या मिनिमा का जो कॉन्सेप्ट है और टैंजेंट का नॉर्मल का कॉन्सेप्ट है सर, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि दोनों में डीवाई डीएक्स करना रहता है और उसमें भी उसमें डबल डिफरेंशिएशन करता है। डबल डिफरेंशिएशन हर एक ऑब्जेक्टिव है तो डबल डिफरेंशिएशन भी नहीं करेंगे, सिंगल से ही काम निकाल देंगे। हाँ सर। चलो ठीक है, इतना करो, किसी को दिक्कत हो तुरंत फोन करो मेरे को, ठीक है सर। मैक्सिमम मिनिमम में डीवाई डीएक्स सीपी होता है ना सर, वो कौन क्या क्या नाम सर, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट डीवाई डीएक्स इक्वल टू जीरो करने पे। हाँ। और फिर सर डबल डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव आएगा तो फिर वो इंक्रीजिंग तो मैक्सिमा होगा, डबल डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव आया तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आया तो मिनिमा, समझे।
जानते सर थ्योरी आसान लगता है लेकिन सर जब बनाने बैठते क्वेश्चन कुछ नहीं यार सब आसान रहता, तुम बनाते ही नहीं उस तरीके से जो अभी जो बोले वो करो। अब वीडियो पड़ा हुआ यूट्यूब पे देख लेना, एनसीईआरटी का जहां दिक्कत हो प्रॉब्लम है खोलना, टेंजेंट नॉर्मल का एक एक सवाल उसमें हम डिस्कस किए, ठीक है? डिफरेंशिएशन, हायर ऑर्डर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, टेंजेंट नॉर्मल, इसको कंप्लीट करो। कल 10 बजे क्लास में इन करने से पहले ये होना चाहिए कंप्लीट सबका, समझे? यस सर, यस ठीक है सर। जिसको दिक्कत है मेरे को फोन करो, हम जगे हुए, समझे? एकदम सर। yes, चलो थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर फॉर्मूला भेज दिया ट्रिग्नोमेट्री का। धन्यवाद सर।